हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तक पढ़ा था ना। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। एक्सेस प्रेशर, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। हेडिंग डाल ली बोलते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। इसमें हमें क्या करना है, कंसीडर करना है एक लिक्विड की ड्रॉप। इस लिक्विड की ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। और अब क्योंकि यहाँ पे अंदर ये ड्रॉप की बात हो रही है, तो ड्रॉप में तुम्हें मालूम है कि इसमें पूरा पानी भरा होगा। ड्रॉप में एक स्फेरिकल शेप की हमने लिक्विड ड्रॉप कंसीडर की है। अब अंदर के थोड़ा सा इस लिक्विड की ड्रॉप का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रेशर की वजह से लिक्विड की नई ड्रॉप जो बनेगी उसका जो रेडियस वो dr रेडियस बढ़ चुका है। कितना रेडियस बढ़ा? dr, ठीक है। तो यहाँ पे नया रेडियस बन जाएगा आपका r प्लस dr। जो नया रेडियस आपका बनेगा वो r प्लस dr बन। बेटा स्क्रीन दिख रही है? सर सर पूरी बट क्लियर। क्लियर स्क्रीन? पार्थ ऐसा क्लियर है? ओके। तो ये आपकी इनिशियल जो ड्रॉप है उसका रेडियस कितना दिया? वो कैपिटल आर दिया हुआ है, क्लियर है। इसके बाद ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ प्रेशर इनसाइड ड्रॉप के अंदर का जो एक्सचेंज ऑफ प्रेशर है उसकी वजह से नया जो रेडियस बढ़ा वो कितना बढ़ गया? डी आर। तो जो नई ड्रॉप आपकी क्रिएट होगी उसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा आर प्लस डी आर, क्लियर है बेटा। तो अब हम लोग क्या डालना, हमें निकालना एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। तो जो ये लिक्विड ड्रॉप है इसके अंदर कितना प्रेशर एक्सेस में है वो हमको फाइंड करना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इनिशियल सरफेस एरिया लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल सरफेस एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया पहले इसका सरफेस, तो ड्यू टू स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप होने की वजह से इसका इनिशियल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² जो इसका इनिशियल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? 4πr². अब जो बिगर ड्रॉप है प्रेशर की वजह से जो ड्रॉप बढ़ गई है फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। दैट इज फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल का जो रेडियस है वो r प्लस डी आर है, तो ये आपका हो जाएगा 4πr प्लस डी आर होल स्क्वायर। सभी क्लियर है बेटा? इतना जो नया सरफेस एरिया होगा होगा 4πr प्लस डी आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ तो इस स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4πr और इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर मींस r प्लस b स्क्वायर मींस dr स्क्वायर प्लस 2r इनटू dr, ठीक है बेटे। इसका स्क्वायर हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया है, तो ये आ गया r स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर प्लस 2r इनटू dr। नाउ यू सी कि
जो हम लोगों का ये बढ़ा हुआ रेडियस है, कितना बढ़ा हुआ रेडियस है dr, तो ये रेडियस बहुत कम बढ़ा हुआ है, तो कम बढ़े हुए जो ही स्क्वायर लगा हुआ है जिसमें, इसको क्या कर देंगे हम लोग, निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो निग्लेक्टिंग द, नीचे इस बात को लिखेंगे हम लोग, टर्म्स ऑफ डी आर, तो डी आर में हाइयर पावर टर्म कौन सा है, डी आर स्क्वायर, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो जो नया सरफेस फाइनल सरफेस आएगा, फाइनल सरफेस इज इक्वल टू, अब यहां से इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा 4 पाई और ब्रैकेट में बचा रहेगा आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू डी आर, कितना आपका बचा रहेगा, ठीक है। तो आपको इनिशियल सरफेस एरिया मिल गया ड्रॉप का और आपको फाइनल सरफेस एरिया मिल गया। अब फाइनल आपका ज्यादा है एरिया, इंक्रीज इन एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसके बाद, तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल सरफेस एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जब माइनस करेंगे तो देखो फाइनल हमारा इतना था 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा 8 पाई आर इनटू डी आर, ये तो फाइनल हो गया इतना, माइनस इनिशियल करेंगे, इनिशियल कितना था आपका 4 पाई आर स्क्वायर, तो माइनस 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपका जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 8 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। यहां तक नोट करो बेटा इतना, ये सर थोड़ा लेफ्ट साइड कर लीजिए, थोड़ा सर लेफ्ट में सर राइट साइड कर लीजिए थोड़ा सा, हाँ।
का है, तो ये हो गया तीन एरिया। अब फॉर्मूला देखो, आपको मालूम है कि एक्सटर्नल वर्क डन हमें निकालना है, ठीक है। तो कल मैंने तुम्हें पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि जो वर्क डन होता है वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया के बराबर होता है, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर हो गई, ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया के, सॉरी, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी के बराबर होगा, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है। एक वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था dr के बराबर, इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। पीछे पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था सरफेस एनर्जी का, सरफेस एनर्जी कितना आता है सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर पी हो गया, एरिया कितना है 4πr² इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था dr इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, आपको मालूम है किससे डिनोट करते थे सिग्मा से, किससे पीछे हम लोग डिनोट करते थे s से, सिग्मा से सरफेस टेंशन सिग्मा से डिनोट किया था। तो जहां पे इसमें सरफेस टेंशन लिखा हुआ है इसकी जगह में लिख दें सिग्मा इनटू इंक्रीज इन एरिया कितना इंक्रीज हुआ पीछे निकाल लिया है, वो आपका आया है 8πr इनटू dr, ठीक है बेटा। यहां से dr कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 2 times 8 कैंसिल हो जाएगा, और एक r से ये r कैंसिल हो जाएगी वाला। तो प्रेशर का फॉर्मूला कितना बचेगा, ये बचेगा 2 into sigma, इधर बचा केवल, इधर ये एक r बचा हुआ है, तो 2σ/R आ जाएगा। ये है आपका एक्सेज ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप P = 2σ/R। दिख रही है क्या बेटा, पार्थ कर पा रहे हो बेटे, यहाँ तक हो गया? यस सर। गुड, सुभी हो गया बेटा, दिव्यांजलि, यस सर हो गया, वर्तिका, चलिए अब नेक्स्ट हम लोगों को करना है, नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको एक्सेज ऑफ प्रेशर, नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेज ऑफ प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, इनसाइड ए सोप बबल। देखो बबल और ड्रॉप में अंतर होता है, ठीक है। अभी पीछे जो हम लोगों ने निकाला है ड्रॉप के लिए निकाला है, अब बबल के लिए निकाल रहे हैं। बबल सब लोग जानते हो ना, ठीक है,
वाटर बबल जानते हो ना सब लोग, जिसमें अंदर भी यस सर, हवा भरी होती, अंदर हवा भरी होती बाहर भी हवा होती है, बैलून टाइप में छोटा सा बनता है सोप का बबल, तो उसके अंदर कितना प्रेशर होता है वो हमको फाइंड करना है। तो एक अपनी तरफ से बबल कंसीडर कर लेते हैं, इस बबल का भी रेडियस वही आर है, कैपिटल आर, अक्षय कुमार माइक मूट रखो अमित, इसका भी नया रेडियस आर प्लस डी आर है। यहां पे अंदर का प्रेशर पी है, ठीक है, अब यहां अंदर भी हवा भरी है और बाहर भी हवा भरी है, फ्री सर, इसको अपने आप सब लोग करो, बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था उसी तरह करना है। सबसे पहले इनिशियल सरफेस एरिया लिखेंगे, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बबल कितना हो जाएगा बेटा, 4πr² हो जाएगा ये सर, 4πr², ठीक है, ये आपका इनिशियल सरफेस एरिया हो जाएगा। फिर हम लोग फाइनल सरफेस एरिया निकालेंगे, फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा पाई, अब इसका रेडियस होल स्क्वायर आर प्लस डी आर होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r into dr आ जाएगा, निगलेक्टिंग हायर पावर टर्म्स ऑफ, बिल्कुल सेम और लिखना है कोई अभी तक पीछे आपने किया पिछले डेरिवेशन में, बिल्कुल सेम करना है, निगलेक्टिंग हायर पावर टर्म्स ऑफ dr फाइनल सरफेस एरिया आ जाएगा इज इक्वल टू 4πr² + 2r into dr, ये फाइनल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इंक्रीज इन एरिया निकाल लेते, कितना एरिया बढ़ा हुआ है, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल कर दें, बिल्कुल सेम है कोई अंतर नहीं है कहीं भी, ठीक है, अभी तक बिल्कुल सेम चल रहा है। फाइनल की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4πr² + 8πr into dr, माइनस इनिशियल करेंगे तो 4πr² आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 8πr into dr, ये बात हो गई आपकी इंक्रीज इन एरिया की। अब देखिए, अब उसी के आगे नेक्स्ट हम लोगों को जैसे पीछे चेक किया था इंक्रीज इन एरिया निकाल लिया यहाँ पे, फिर हम लोगों ने किया था एक्सटर्नल वर्क डन, बिल्कुल सेम फिर से यहाँ पे करना है, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी
ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन तुम्हें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी आर इज इक्वल टू इंक्रीज इन जो सरफेस एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, फोर्स की जगह में लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर पी हो गया एरिया 4πr² इनटू dr, ठीक है, फोर्स की जगह में लिख दिया प्रेशर इनटू एरिया डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे सरफेस टेंशन में थोड़ा सा अलग लिखना है, क्यों अलग लिखना है, देखो पीछे जो सरफेस टेंशन लिखा था उसमें केवल हमने सिग्मा लिखा था, लेकिन यहाँ पे सरफेस टेंशन टू लिखेंगे, ठीक है, क्यों टू सिग्मा लिखा है, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जब ड्रॉप लिया था ड्रॉप में एक ही फ्री सरफेस था बाहर वाला, लेकिन जब बबल की बात करेंगे तो बबल में दो फ्री सरफेस हैं, एक अंदर वाला फ्री सरफेस है एक बाहर फ्री सरफेस है, मतलब अंदर भी हवा है यहाँ पर और बाहर भी हवा है, तो दो फ्री सरफेस होने की वजह से इसके दो सरफेस टेंशन हो गए हैं, इसीलिए इसमें टू सिग्मा कर दिया, इनटू इंक्रीज इन एरिया कितना है आपका 8πr इनटू dr, ठीक है बेटे, यहां से dr कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, फोर से टू टाइम्स ये कैंसिल हो गया, एक आर से ये कैंसिल हो गया यहाँ पे ये आर, तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर आया टू टू जब फोर सिग्मा हो गया, यहाँ पे फोर सिग्मा ये वाला आर जो बचा हुआ है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर एक्सचेंज ऑफ प्रेशर की वैल्यू आएगी फोर सिग्मा अपॉन कैपिटल आर, करने का तरीका बिल्कुल सेम था, लेना है ड्रॉप में एक सिंगल सरफेस लेना है, तो आ जाएगा ये आपका, यस बेटा सर यहाँ पे हमने फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, हाँ बेटा सर यहाँ पे हमने टू सिग्मा क्यों लिया हुआ है ये बात एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो जब हमने ड्रॉप लिया था तो तुम्हें ड्रॉप की खासियत मालूम है ना, ड्रॉप मतलब कि अंदर पानी भरा हुआ है, ड्रॉप में तो अंदर पानी होता है ना पूरा, ड्रॉप तो पूरी भरी हुई होती है, तो ड्रॉप का केवल एक ही सरफेस है फ्री वाला बाहर, बस एक फ्री सरफेस जो बाहर दिया हुआ है ड्रॉप में एक ही फ्री सरफेस होता है, लेकिन जब बबल की बात करते हैं तो बबल में क्या होता है अंदर हवा भरी हुई होती है, तो बबल में यहाँ भी हवा भरी है और बाहर भी हवा है, इसका मतलब इसके दो फ्री सरफेस हो गए, एक अंदर वाला फ्री सरफेस और एक बाहर वाला फ्री सरफेस, तो जब फ्री सरफेस दो हो गए तो इसके सरफेस टेंशन भी दो हो जाएंगे, इसी वजह से बबल के केस में सरफेस टेंशन में हमने टू सिग्मा लिया हुआ है, बाकी सब चीजें बिल्कुल उसी तरीके से है, सुबह आया बेटे समझ में बात है, यस सर, यहां तक नोट हो गया बेटा सबका, बेटा रिप्लाई दिया करो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बैठे रहते हो खाली, यस सर हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, इसमें लिखेंगे ए ट्यूब ऑफ वेरी फाइन, ए ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर a tube of very fine bore is known as capillary tube. Known as capillary tube. A tube of very fine bore is known as capillary tube. ठीक है, कोई भी एक ऐसा पाइप लें, ऐसी ट्यूब लें जिसका जो बोर हो, बोर मतलब उसके अंदर का जो स्पेस हो, जगह हो उसमें, वो बहुत कम हो, बहुत ज्यादा कम हो। कितना कम हो? बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो, बिल्कुल जितना पतला बाल होता है उतना पतला अगर उसमें छेद बना है पूरी ट्यूब में, तो उसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहा करते हैं। जैसे सिरिंज होती है ना, सिरिंज वाली सुई जो होती है उसमें कितनी पतला अंदर स्पेस होता है, तो वो एक तरह से कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, इसीलिए लिख दिया ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसमें कैपिलरिटी, कैपिलरिटी। अब कैपिलरिटी क्या होता है? तो कैपिलरिटी है द फिनोमिना ऑफ The phenomenon of rise or fall of liquid, rise or fall of liquid inside a capillary tube is known as capillarity. फिर से मैं बोले दे रहा हूं कैपिलरिटी में क्या लिखा है। द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। ठीक है, जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का चढ़ना, ट्यूब के अंदर लिक्विड का चढ़ना या लिक्विड का गिरना, जो फिनोमिना होता है इसी का नाम होता है कैपिलरिटी। डेफिनेशन नोट हो गई बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे कि जो लिक्विड राइज हो रहा है तो किसी कैपिलरी ट्यूब में कितना पानी चढ़ सकता है। तो नेक्स्ट है आपका हेडिंग है राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, ये हेडिंग है आपकी। राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, और इससे जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा उस फॉर्मूले का नाम होता है एसेंट फॉर्मूला। पेपर में हम लोग डायरेक्ट कभी कभी लिख दिया करते हैं कि डेराइव एसेंट फॉर्मूला, मतलब यही ड्राइव करना है आपको।
अब इसमें क्या मानते हैं कि मान लो सपोज दैट हमारे घर पास एक ऐसा कंटेनर दिया हुआ है, इस कंटेनर में यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया, एक कैपिलरी ट्यूब को डिप कराया। अब कैपिलरी ट्यूब बहुत फाइन बोर की होती है, लेकिन यहां पर मैं बोर बड़ा बना दे रहा हूं ताकि आपको दिखेगा, क्योंकि तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ट्यूब को इसके अंदर डाला, यहां लिक्विड ऊपर चढ़ गया इसमें ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो जो लिक्विड होगा वो इस शेप में ऊपर को चढ़ेगा, यहाँ पे ऐसे करके इस शेप में लिक्विड ऊपर चढ़ गया। कहाँ तक ऊपर चढ़ा है, तो मान लेते हैं एच हाइट तक ऊपर चढ़ गया लिक्विड, एच हाइट तक लिक्विड जो है ऊपर चढ़ गया है। ठीक, अब देखो यहां पर आपको ये एक क्या सर्कुलर शेप, स्फेरिकल शेप का ये पोर्शन दिख रहा है। अगर इसको ऐसे बढ़ाया जाए ऐसे करके, तो ये एक स्फेयर टाइप में बनेगा, ऐसे करके एक स्फेयर टाइप में बनेगा, जिसका सेंटर यहां कहीं पर होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग एक यहां पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें, जो टेंजेंट आप लोग जानते हो, टेंजेंट के साथ सॉलिड सरफेस का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। अमित कुमार बोलिए बेटा। सर ये कह रहे हैं सर, जो वाटर का सर लेवल होता है वो तो सर इक्वल होता है, तो ये ऊपर कैसे हो गया? ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ता है ना, कैपिलरी ट्यूब में, यस सर। तो उसीलिए वो कैपिलरी ट्यूब के सर अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ गया है। कैसे चढ़ा, यही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा कैसे चढ़ गया ये नहीं तो मैं चढ़ समझ में आया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से बेटा। ये बगल में पानी क्या यस होता है कि इसके कांटेक्ट में आ जाता है, ट्यूब के कांटेक्ट में आ जाता है, तो जी सर, वो लिक्विड थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाया करता है। हमने दिखाया इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं चढ़ता। अब जैसे क्या होता है पेड़ों में, पेड़ में खाना कहाँ बना करता है मालूम है तुम्हें, जो पेड़ अपना खाना बनाते हैं कहाँ पे बनाते हैं, पत्तियों में। अमित यस सर पत्तियों में। हाँ पत्तियों बनाते हैं, अब पत्तियों में खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी पेड़ को, वो सर रूट से आता है। अब वो पानी कहाँ से आएगा। तो पानी जमीन में हम लोग पेड़ को पानी देते हैं, तो यस तुमने सर, पेड़ में सुना होगा कि जाइलम होता है, पेड़ में जाइलम होता है, सुना है, यस स्टेम में सर, पाया जाता है। तो वो यस सर, जाइलम जो है वो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करता है, तो जड़ों से पानी कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। आप इतना डायग्राम बना के छोड़ दो, इसका डेरिवेशन कल करेंगे क्योंकि अभी बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है। इतना डायग्राम अभी बना लो, यहाँ से छोड़ देना, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटे। इतना बना के छोड़ दो, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा बोलो।